बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को अगले महीने भारत आना है, साथ में अगले साल बांग्लादेश में होने वाले हैं चुनाव। उस आगामी चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हस्ती रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत जो है अभी बांग्लादेश की सरकार की मदद करे। जितना बांग्लादेश ने गेहूं मांगा है उतना गेहूं भारत बांग्लादेश को दे दे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सुमैन है, आप देख रहे हैं स्पाई रिएक्शंस। तो जी आज हम बात करेंगे इंडिया बांग्लादेश की, और यहाँ पे स्पेशली बात की जाएगी इंडिया की वीट एक्सपोर्ट के बारे में। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों से इससे रिलेटेड एक न्यूज़ शेयर की, ठीक है। तो बेसिकली जब से इंडिया की जानिब से इस पे जो है बैन लगाया गया है, तब से कुछ वीट है, काफ़ी बड़ी मकदार में, बल्कि कुछ नहीं है वो वीट जो है रोकी हुई है इंडिया ने अपने बॉर्डर लाइन पे, ठीक है। तो बांग्लादेश की जानिब से कहा जा रहा है कि वो 10 लाख टन जो वीट है वो फौरी तौर पे उसको, ठीक है, रिलीज़ किया जाए और हमें भेजी जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम उसकी क्रेडिट लाइन जो है पे कर चुके हैं, सारी की सारी पेमेंट होगी हुई है। तो आप लोग फौरी तौर पे उसको रिलीज़ करें। यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में क्योंकि अगले साल होने जा रहे हैं इलेक्शंस, और इलेक्शंस की वजह से शेख हसीना ने जो नेक्स्ट मंथ है इंडिया का विज़िट भी करना है, और वहाँ पे जाके बेसिकली वो चाहती हैं कि इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसकी मदद करे और ये जो वीट है इसको रिलीज़ करे, ताकि शेख हसीना की जो ठीक है सिचुएशन है, पोजीशन है, वो स्ट्रॉन्ग हो। तो इस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि बेसिकली एक तरह से शेख हसीना जो है ना इंडिया से मदद चाहती हैं कि आगे इलेक्शंस होने वाले हैं तो वो ही इलेक्ट हों। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि जो इंडिया की जानिब से वीट जो है रिलीज़ करने वाली है उसे फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए, ताकि उनकी अवाम के अंदर जो ठीक है अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, वो इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो अभी इसी चीज़ को लेके ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आप लोगों ने पूरी देखनी है यार, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है रिपोर्ट देखने का। सो बेसिकली इंडियन मीडिया की रिपोर्ट है, रिपोर्ट आप लोगों ने पूरी देखनी है। आई एम श्योर आप लोगों को रिपोर्ट बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने वाला आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने है उसे जल्दी से क्लिक कर दें। सो लेट्स गो। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेश। दोस्तों बांग्लादेश की स्थिति के बारे में आप सभी पहले से अवगत हैं, इसलिए उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि 13 मई को भारत ने जो है गेहूँ के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी, उसके बाद तुरंत भारत और बांग्लादेश के बीच में आधिकारिक बातचीत हुई, जिसमें बांग्लादेश का कहना यह था कि जल्दी से जल्दी भारत ने बांग्लादेश को गेहूँ रिलीज़ करना चाहिए। तो इसके जवाब में भारत ने कहा था बांग्लादेश से कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स दो जो यह दर्शाएं कि 13 मई के पहले आपने कितने टन गेहूं का ऑर्डर दिया था। तभी से बांग्लादेश अफरा तफरी में इसी काम में लगा हुआ था, और बांग्लादेश ने अब सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए हैं। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश का कहना यह है कि 13 मई के पहले हमने जो है 10 लाख टन गेहूं खरीदने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किए थे, ऑर्डर्स दिए थे, शिपमेंट क्लियर हो गया था, हमें 10 लाख टन गेहूं चाहिए, क्योंकि यह सब 13 मई के पहले हुआ था। और क्योंकि यह 10 लाख टन भारतीय नियम का पालन कर रहा है, इसलिए भारत ने जल्दी से जल्दी 10 लाख टन गेहूँ रिलीज़ कर देना चाहिए। ये बांग्लादेश की मांग है। बांग्लादेश ने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं भारत को, भारत ने डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए हैं अभी, तो अभी भी असमंजस बरकरार है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दो सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो यह है, पॉजिटिव सिनेरियो है, कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को अगले महीने भारत आना है, साथ में अगले साल बांग्लादेश में होने वाले हैं चुनाव। उस आगामी चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हस्ती रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत जो है अभी बांग्लादेश की सरकार की मदद करे। जितना बांग्लादेश ने गेहूं मांगा है उतना गेहूं भारत बांग्लादेश को दे दे, ताकि बांग्लादेश में भारत के प्रति सद्भावना पैदा हो, प्रधानमंत्री शेख हसीना के हाथ मजबूत हों। यह था पहला विकल्प। दूसरा विकल्प बड़ा स्वाभाविक है, आप सभी को पता है बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर चल नहीं रहा है, दौड़ रहा है। हम चाहे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की कितनी भी मदद कर लें,
बांग्लादेश को लेकर हमें भविष्य में रोना ही पड़ेगा जिस तरह हम अभी रो रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश को हम 10 लाख टन नहीं, 25 लाख टन नहीं, 100 लाख टन गेहूँ भी दे दें तो भी बांग्लादेश के लोग भारत को गालियाँ देते रहेंगे जैसे वह अभी दे रहे हैं। इसलिए दूसरे सिनेरियो के हिसाब से तो बांग्लादेश को गेहूँ देना बनता नहीं है। अब दोस्तों, इन दोनों सिनेरियो में से आप किस सिनेरियो को पसंद करते हैं? आपके अनुसार क्या भारत में गेहूँ भेजकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के हाथ मजबूत करने चाहिए अथवा भारत ने गेहूँ नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वैसे भी बांग्लादेश के लोग काफिरों का गेहूँ नहीं लेंगे? आप अपने विचार इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। अब दोस्तों, आप में से कई लोग होंगे ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है तो इनका कहना है कि बांग्लादेश को जी वीट दी जाएगी और शेख हसीना चाहती हैं कि वीट दी जाए बांग्लादेश को, फौरी तौर पर रिलीज की जाए ताकि उनकी जो पोजीशन है स्ट्रांग हो। आई थिंक शेख हसीना की पोजीशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है एंड शी इज़ डूइंग गुड, और कुछ चीज़ें होंगी शायद लोगों को पसंद ना हो उनकी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इर्द-गिर्द की जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं, लाइक ये इस इधर हमारी इर्द-गिर्द की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इसमें सबसे बेहतर जो है वो बांग्लादेश जा रहा है। बांग्लादेश की इकॉनमी सबसे स्टेबल है, बांग्लादेश की GDP सबसे बेहतर है। तो इस चीज़ को अगर देखें तो ऑलरेडी शेख हसीना की एक अच्छी पोजीशन है जो बनी हुई है, और आई डोंट थिंक कि उन्हें अपनी पोजीशन मज़ीद से स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। वीट जिसकी ऑलरेडी वो पेमेंट कर चुके हैं, जाहिर सी बात है वो वीट तो लाजमी उनको मांगनी है, और जो चीज़ आप लोग जिसके लिए ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो चीज़ तो दी जानी चाहिए, रिलीज़ की जानी चाहिए बांग्लादेश के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि काफ़ी दिन हो गए हैं वो वीट को पड़े हुए, और कहा जा रहा है कि अगर बारिश होती है तो उस वीट को जो है ख़राब भी हो सकती है, मतलब गीली हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो ख़राब हो जाएगी। तो अगर वो ख़राब वीट बांग्लादेश में भेज देते हैं तो बांग्लादेश का नुकसान हो जाएगा। वेल, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि चेकिंग की जाए प्रॉपर जो वीट आए बांग्लादेश में, ठीक है, और इंडिया का भी काम है कि जो वीट है वो प्रॉपर चेक करके बांग्लादेश में भेजे। सो स्पेशली यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो काफ़ी नाला नज़र आते हैं कि बांग्लादेश के लोग जो हैं उन्हें गाली देते हैं हमेशा, हम बहुत अच्छे हैं, हम हमेशा अच्छा करते हैं बांग्लादेश के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इनकी इस बात से एग्री नहीं करती क्योंकि हमेशा इंडिया ने बांग्लादेश का फ़ायदा उठाया है। बांग्लादेश का पानी जिस तरह इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है, और भी इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें बांग्लादेश का फ़ायदा उठाया गया इंडिया की जानिब से। जहाँ दिल करता है इंडिया बांग्लादेश को प्रेशराइज करने चल पड़ता है, और बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है उसने अपना बांग्लादेश पे बनाने की कोशिश की है, और समटाइम्स सम हाउ है भी, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिस पे प्रेशर की वजह से, इंडिया के प्रेशर की वजह से वो प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो जाते हैं, डील्स कैंसिल हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये बात कहना कि इंडिया को कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है बांग्लादेश से, उन्हें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, बल्कि बांग्लादेश ही हमेशा इंडिया से फ़ायदा हासिल कर रहा है, तो इस ये बात बिल्कुल गलत है, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। और क्योंकि जो हालात है, जो वाक़यात है, वो सबके सामने हैं, और जो इन्होंने बातें की हैं काफ़ी मासूमाना है। वेल, मैं इसके बारे में कोई ज़्यादा सख्त बात नहीं करूँगी। साथ ही उन्होंने कहा कि काफ़िरों की गंदम लेना बांग्लादेश पसंद नहीं करेगा। चलो, अभी जो अभी तो इंडिया ने बैन लगा दिया ना, वेल, जिसकी पेमेंट हुई हुई है वो वीट लेना तो बांग्लादेश का हक है। बांग्लादेश किसी मुसलमान से वीट ले या किसी नॉन मुस्लिम से ले, ये उनकी मर्ज़ी है। ओके, तो यहाँ स्पेशली बांग्लादेश ने पेमेंट दे के वीट लेनी होती है। सो इस टाइप के तंज करने की कोई ठीक है वजह नहीं बनती कि आप किसी पे ऐसे टॉन्ट करें, ठीक है। वेल, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? आप लोग मेरी ओपिनियन को कैसे देखते हैं? आप लोगों की जो भी ओपिनियन है लास्ट भी शेयर करें कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लास्ट भी लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उससे जल्दी से क्लिक कर दें, वीडियो को लास्ट भी शेयर करना है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। I'll see you guys till then. Take care. Love you. Bye-bye.